नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमबी स्पीक्स, और सभी का मैं स्वागत करती हूं। किसी को प्यार में मरना है और किसी को प्यार में जीना है, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूं। ये ऐसे ही रीत चलती आएगी और आगे चलती जाएगी। आपके सामने ही है, आयशा ने अपनी जान दे दी प्यार के लिए और शबनम ने जान ले ली प्यार के लिए, लेकिन शबनम अब जीने के लिए तड़प रही है। उधर आयशा के हस्बैंड आरिफ जीने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। आज सुबह सुबह मैं खबरें देख रही थी तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के कासगंज के गांव भरासौली मुस्तफाबाद में आज सुबह तड़के की घटना है। एक प्रेमी प्रेमिका का शव जो है पेड़ पे लटका हुआ मिला, और उनकी जब बात उड़ी पूरे गांव में तो पुलिस पहुंची, ये पता चला कि युवक शादीशुदा था और युवती की जो है शादी तय हो गई थी गाजियाबाद में। मैं थोड़ी सी डिटेलिंग कर दूं इस पूरे घटना की, पूरी वारदात की, कि गांव के निवासी युवक जिसका नाम निशांत है, 23 वर्ष की उम्र है उसकी सिर्फ, और युवती रंजना जो उसके साथी जिसने सुसाइड किया है, जिसने फांसी लगाई है पेड़ पे रस्सी बांध करके, सोमवार की शाम से अपने घरों से गायब थे। युवक और युवती के परिजन सोमवार रात से ही उनको तलाश कर रहे थे, लेकिन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं था। मंगलवार को सुबह करीब 6 बजे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में उन दोनों के शव लटके हुए उनको मिले। उस समय पूरा हड़कंप मच गया उस जगह पे, उस गांव में। जैसे ही ये सूचना उनके परिवारजनों को मिलती है तो उन्होंने उनकी शिनाख्त की। इसके बाद घटना की सूचना जाहिर है पुलिस को दी जानी थी। पुलिस फोर्स पहुंचती है और डीएम चंद्रप्रकाश सिंह और एसपी मनोज कुमार सोनकर दोनों ही मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया, जाहिर है उसको ऐसा करना ही था, और पोस्टमार्टम के लिए उसको ले गए। और ये कहानी यहीं तक मैं आपको सुनाती हूँ। एक और घटना है, लखनऊ के आशियाना में बीती शाम को एक युवक युवती खून से लथपथ पड़े मिलते हैं। राहगीरों से वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखते हैं कि गले पे घाव है, वहीं युवक भी काफी चोटिल है, उसके गर्दन में भी धारदार किसी चीज से जो है उसको ब्लेंड किया गया है। वो दोनों ही खून से सने हुए थे। घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर और लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी हालत अभी काफी नाजुक बनी हुई है। ये दो घटनाएं हैं, क्या लगता है आपको इन दो घटनाओं में क्या सिमिलरिटी है? जो मैं महसूस करती हूं कि जब प्यार में पड़े होते हैं लोग तो वो कुछ सोचते नहीं हैं, जबकि सोचना तो चाहिए। जिस एक पहली घटना की मैंने बात की, निशांत और युवती रंजना, निशांत की शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है उसके बावजूद उसका अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। ठीक ऐसा ही केस तो आयशा का था। आयशा शादीशुदा जिंदगी को ठीक से फील नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड आरिफ किसी दूसरी लड़की के चक्कर में थे। थोड़ा वो पढ़ी लिखी फैमिली थी, हाई प्रोफाइल उनका मामला था, और उसने अपनी मरने से पहले एक वीडियो वायरल की। लेकिन यहाँ पर रंजना और निशांत ने क्या किया? उन्होंने शायद से उनको लग रहा होगा कि सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं और अब एक ही रास्ता बचता है,
पेड़ से लटक के मर जाने के लिए, तो उन्होंने एक वो रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन दो चीजें हैं, क्या शादीशुदा किसी मर्द को इस तरीके से किसी के प्यार में पड़ना चाहिए? निशांत और आरिफ दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। वहीं ये जो लड़की रंजना है, रंजना की शादी जब कहीं और तय हो जाती है तो वो उस रिश्ते को शायद से स्वीकार नहीं करना चाहती या वो स्वीकार नहीं कर पाती है, इसलिए वो अपनी जान उस लड़के के साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, और उसने जान दे दी दोनों लोगों ने। कहानी खत्म उनकी तरफ से हो गई है, लेकिन जो उनके परिजन हैं, जो निशांत की पत्नी है, उनकी कहानी, उनकी दुश्वारियां अब शुरू होंगी। लेकिन ये चीज उन लोगों ने नहीं सोची। दूसरी घटना मैं बात कर रही थी लखनऊ की, जहां पर आशियाना में सोमवार को युवक युवती जो है खून में लथपथ मिले। इसमें भी कुछ प्रेम की बात सामने आई है, जो एक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में एसीपी कैंट डॉक्टर बीनू सिंह के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने कहा है, शाम को 7:45 के करीब युवक और युवती घायल होने की सूचना उन्हें मिली थी। उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं, पुलिस की पूरी फोर्स के साथ पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि युवती की पहचान उन्नाव की बिहार निवासी विजय लक्ष्मी के तौर पे हुई है। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि वो युवती उन्नाव बिहार निवासी विजय लक्ष्मी के तौर पे पहचानी गई है, जो कृष्णा नगर बरेगांव में किराए के मकान पे रहती थी, और विजय लक्ष्मी फिनिक्स मॉल के किसी रेस्टोरेंट में वो काम करती थी। उसकी दोस्ती लखीमपुर निवासी गौरव सिंह से थी, और ये भी पता चला है कि सोमवार को गौरव युवती से मिलने लखनऊ आया था। माल से ड्यूटी खत्म करने के बाद विजय लक्ष्मी और गौरव साथ साथ घूम रहे थे। देवीखेड़ा के पास पहुंच करके उन लोगों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई, झगड़ा हो गया, और उसके बाद उनके बीच में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। और वो जो स्थिति थी उनकी लहू लुहान, वो एक सीन सबके सामने आया। कहने का मतलब कि बात करते करते वो लड़ पड़े, उसके बाद वो एक दूसरे को, उन्होंने जाहिर तौर पे जो दिख रहा है उसमें उन्होंने एक दूसरे को घायल कर दिया, और वो इस मुकाम तक पहुंच गए। उन दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी हालत उनकी काफी गंभीर है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इन सब घटनाओं के पीछे जो एक मानसिकता होती है हमेशा साथ जीने की, वो आपको कहाँ दिख रही है? जब आपने, चलिए मैं शबनम की बात करती हूँ, जब शबनम ने अपने 7 परिजनों को मार दिया, तो वो खुशी कहाँ तलाश सकती है? और अगर मैं बात करूँ आयशा की, तो आयशा ने सुसाइड करके सोचा कि पूरी दुश्वारियों का अंत हो गया है, लेकिन जिनकी वो प्रिंसेस थी, जिन माता पिता की वो प्रिंसेस थी, उनके बारे में उसने नहीं सोचा। और ठीक है, आरिफ इस समय पुलिस कस्टडी में है, अभी जांच का प्रोसेस चल रहा है, चलती रहेगी जांच तो। लेकिन ये सब चीजें करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। अब आप देखिए कि शबनम ने 7 लोगों की जान ली, लेकिन वो अपनी जान बचा रही है किसी तरीके से, उसकी फांसी जो है टल जाए, फांसी उसकी, उसे फांसी ना हो। आपने किसी की जान ले ली, और अब आप अपनी जान बचाने के लिए इतनी सारी मशक्कत कर रहे हैं। पता नहीं अभिभावकों के परवरिश में कहाँ कमी रह जाती है, जो ये जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो इस तरीके के कदम उठाती है। मैं बात कर रही थी कि शादीशुदा से प्रेम, लड़कियां, मैंने कई बार अपने फेसबुक पे भी लिखा है कि लड़कियों, कभी किसी शादीशुदा पुरुष के प्यार में मत पड़ो, क्योंकि वहां आपके लिए आगे बढ़ने का
जिंदगी जीने का कोई रिस्क कोई भी चांस नहीं बचता। आप हमेशा और हमेशा छिप-छिप के मिलते रहेंगे और छिप-छिप के जीते रहेंगे। उस जिंदगी में क्या मजा है? कोई मजा नहीं है। आप जो भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ के उठाएं, बहुत सोच समझ के उठाएं, क्योंकि अगर आपने जिंदगी खत्म कर दी तो आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने दो तीन आपके सामने ये केस रखे हैं, शबनम का, आयशा का, और अब ये जो आज ही आज के दो केस हुए हैं, इन सब में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी, जो भी चीजें सामने आएंगी मैं आपको अपडेट करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कह भी सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।